गुजरात में UPSC, GPSC, PSI, CCE या तमाम स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी करने वालों को रजनीश सिंह तोमर का हाथ जोड़कर नमस्कार। आज दोस्तों मैं आपके लिए स्पेशल एक CCE ग्रुप ए की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह वीडियो लेकर आया हूँ। हालांकि जिनका नहीं भी हुआ है, अगली बार तो होगा, तो वो अगर चाहें तो इस वीडियो को देखकर लाभान्वित हो सकते हैं। और जो GPSC की भी तैयारी कर रहे हैं तो इसमें मिनी GPSC है ही ये, तो उनको भी मदद मिलेगा। तो सबसे पहले तो है CCE मेंस ग्रुप ए मॉडल क्वेश्चन आंसर, सिलेबस भी होगा और ग्रुप ए का मॉडल आंसर कैसे लिखिएगा, पाठ्यक्रम एनालिसिस, इतिहास क्या थी क्या सुधी, तो सिंधु खीन सभ्यता थी बौद्ध धर्म सुधी। मतलब आपका जो CCE का सिलेबस है उसमें हम इतिहास में ये सिंधु खीन, वैदिक, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये जो है हम आपका लिए हैं और उसका सिलेबस समझाएंगे पहले और फिर उस पर एक एक दो दो क्वेश्चन कि आप उसका आंसर कैसे लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों आपका समय नहीं लेते हैं और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि CCE का ग्रुप ए सामान्य अभ्यास विवरणात्मक है और टोटल 150 मार्क्स का है, लेकिन उसमें से इतिहास में 5 क्वेश्चन आएगा, प्रत्येक प्रश्न का भार 3 अंक का है और ये 15 टोटल अंक है इतिहास का। दोस्तों 150 मार्क में 15 यानी 10% की भूमिका इतिहास की है। वैसे सबसे बड़ी भूमिका करंट की है 30 मार्क और उसके बाद उतनी ही बड़ी भूमिका राज व्यवस्था की है 30 मार्क। तो अगर कोई लड़का करंट, राज व्यवस्था और इतिहास अच्छे से कर ले तो 50% की तैयारी यहीं हो जाती है। तो चलिए पहले देखें कि भारत नो इतिहास में सिंधु खीन सभ्यता में हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक है लाक्षणिकताओं, सिलेबस लाक्षणिकताओं एटले सू। तो यहां मैं एक एक केवल आपको टॉपिक दूंगा कि लाक्षणिकताओं एटले नगर योजना बनवानू, आपको नगर योजना के बारे में पढ़ना है। और भी कई चीज है, स्थलों, अब इस स्थल में हड़प्पा पर प्रश्न आ सकता है, मोहेजोदड़ो पर प्रश्न आ सकता है, धोलावीरा पर प्रश्न आ सकता है, राखीगढ़ी पर प्रश्न आ सकता है, लोथल पर प्रश्न आ सकता है, कालीबंगा पर प्रश्न आ सकता है। यानी महत्वपूर्ण जो 10-12 टॉपिक हैं भारत के स्थल और जो महत्वपूर्ण गुजरात के 5-7 हैं उस पर आपको 40 से 30 शब्दों के बीच में लिखने के लिए कह सकता है। फिर कहता है सांस्कृतिक इतिहास। सांस्कृतिक इतिहास का मतलब है कि हड़प्पा के कल्चर पर क्वेश्चन आएगा, देख लीजिए कैसे, और समाज के बारे में हमको पढ़ना है, हड़प्पा का समाज, हड़प्पा के काल में कला और धर्म कैसा था, और सिंधु खीन सभ्यता अने गुजरात के बारे में पढ़ना है। अब इस सिलेबस को जब आप एक बार देख लिए कि ये पढ़ना है, मैं बाद में फिर कभी आऊंगा तो और डिटेल्स बताऊंगा, तो अब देखिए प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले लाक्षणिकता पर सवाल है, यानी विशेषता पर सवाल है, तो एकदम सिंपल सवाल अगर आपको कह दे कि सिंधु सभ्यता नी लाक्षणिकताओं लखो या विशेषताओं लखो,
तो हम 40 शब्दों में इसमें क्या क्या रखेंगे। तो पहले है आयोजनबद्ध नगरीय सभ्यता, आप पहली लाक्षणिकता, व्यापार ना कारणे समृद्धि तथा वैभवपूर्ण सभ्यता, युद्धोथी हमेशा दूर रहनारी शांति प्रिय सभ्यता, पाकी ईटों नो व्यापक उपयोग करनारी सभ्यता, कांस्य प्रधान अने समतावादी सभ्यता, मातृ प्रधान अने प्रकृति पूजक सभ्यता, खेती प्रधान उन्नत उद्योग अने व्यापार पर आधारित सभ्यता, श्रेष्ठ अवस्था में कला अने शिल्पनी स्थिति होवी, लेखन तथा माप कला थी परिचित सभ्यता। दोस्तों वैसे तो क्या नहीं गिना जाता है और क्या गिना जाता है वो मैं एक दिन आऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन अगर आप इसको ना वर्ड टू वर्ड गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। हमने कहा है कि 5 से 8, 10 शब्द प्लस माइनस हो सकता है। अब आइए दोस्तों, अगर इसको प्रेजेंट ऐसे आपको करना है हो जो एकदम आकर्षक लगे, तो उसी बात को देखिए कैसे लिख दिए, सिंधु सभ्यता नी लाक्षणिकताओ आयोजन प्रमाणे नगरीय सभ्यता, व्यापार ना कारणे समृद्ध तथा वैभवपूर्ण सभ्यता, शांति प्रिय सभ्यता, पाकी ईटोनो व्यापक उपयोग, कांस्य प्रधान सभ्यता, मातृ प्रधान तथा मातृ पूजक सभ्यता, लेखन अने माप कला थी परिचित समतावादी सभ्यता। अब इसको गिन के देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 फ्लो चार्ट में जो है अंडर 40 में हमने प्रेजेंट कर दिया। तो इस परीक्षा में दोस्तों ध्यान यही रखिएगा कि प्रश्न कहीं से ला करके आपको और हिंदी से उसको ट्रांसलेट करके कोई भी आदमी कुछ भी आपको दे सकता है, लेकिन गुणवत्ता के साथ आंसर कैसे लिखिएगा यही जो है रजनीश सिंह तोमर आपको सिखाएगा। अब आइए दोस्तों जरा देखें दूसरा क्वेश्चन इसी सिंधु सभ्यता पर अगर आ जाए कि सिंधु सभ्यता ना निर्माता कौन हता, तब मुख्य तवे विद्वान सिंधु सभ्यता ना निर्माता द्रविड़ो न माने छे, परंतु अस्थि अवशेषों ना आधारे सिंधु सभ्यता ना निर्माता नीचे नी चार प्रजातियों नी गनी सकाए, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड सिंधमा, भूमध्य सागरीय सिंधमा, मंगोलाइड दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान अने जम्मू, अल्पाइन शेष भारत मा। लेकिन अगर इसको आकर्षक ढंग से करना चाहते हैं, लेकिन यहां हम सलाह देंगे कि ये चार्ट अकेला नहीं बनाइएगा, इसमें शब्द बहुत कम है, ये लिख करके उसके नीचे फ्लो चार्ट भी लगा दीजिए, देखिए कि कितना आकर्षक लगता है। कारण अगर इसको वर्ड टू वर्ड भी गिन लीजिएगा तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये एक ही वर्ड है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 और 33 के बाद ये कितना है, एक ही वर्ड है, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। तो आप अगर यहां ये लिख कर फॉर्म ये बना भी देते हैं तो उल्टा आकर्षक लगेगा। बाकी जो है आज मैं यही बताने के मूड में हूं। दोस्तों मैं यही कहूंगा
कि यही गुणवत्ता हमारे ऑनलाइन क्लास में भी मिलेगा आपको, क्योंकि मैं क्लास में जो पढ़ाऊंगा वही वीडियो आपके सामने आएगा। इसलिए आज शनिवार है और ये 30 तारीख तक के लिए आपका अप टू 50% वैलिड है। मैं जानकर अभी वीडियो नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि कई सारे कोचिंग क्लास के टीचर भी खरीद लेंगे, मुझे मालूम है, अब बाद में उसी को देख के पढ़ाने लगेंगे। इसलिए वीडियो मंडे से और नहीं तो ट्यूजडे से आपको रेगुलर चार पांच वीडियो आपको आपके कोर्स में दिखेगा और अलग अलग विषय का दिखेगा, कंटेंट सबका गुजराती होगा। तो आपके पास समय है, CCE A+B 6 महीना का कोर्स है, 4999 मात्र 2999 में। CCEB 2999 6 महीना का कोर्स है, ये आपको 1999 में मिलेगा। PSI का तपस्या बैच 2999 1999 में मिलेगा। NCERT कोर्स 2499, ये हिंदी में है, 1 साल का, ये 1599 में मिलेगा। GPSC प्रारंभिक परीक्षा 6999, ये 3999। UPSC प्रारंभिक परीक्षा, ये हिंदी में है, 4999 2999। करंट का कोर्स 199 का है, अभी 100 में मिलेगा। और एक मेंस GS1 2499 1599 का है। और हिस्ट्री ऑप्शनल अगर कोई IAS में रखना चाहते हैं तो 25,000 का है, इसमें 50% डिस्काउंट। आपको अगर कुछ भी क्वेरी है, पूछना है, तो आप 9428804128 पर या 7043771328 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ें। अब है हमारा अगला टॉपिक वैदिक सभ्यता। इसको हमने दो भागों में बांटा है। पहला है ऋग वैदिक सभ्यता, इसमें क्या पूछ सकता है, मूल निवास स्थान, ऋग्वेद के बारे में, राजकीय संगठन, सामाजिक जीवन, धर्म अन्य धार्मिक विश्वास और आर्थिक जीवन। अब देखिए इस पर जो क्वेश्चन आएगा तो वो किस प्रकार का आ सकता है। प्रथम त्रण वेद कया कया छे, तो देखिए ऋग्वेद, सामवेद अने यजुर्वेद प्रथम त्रण वेद छे। तेमनी विषय वस्तु शू छे? ऋग्वेदनी विषय वस्तु देवताओं नी स्तुति मां गवाता मंत्रों नो संग्रह छे। सामवेदनी विषय वस्तु यज्ञ ना समय देवताओं नी स्तुति मां गवाता मंत्रों नो संग्रह छे। यजुर्वेदनी विषय वस्तु अनेक प्रसंगों पर स्वीकार करवामां आवेल यज्ञ विधियों नु वर्णन छे। अब आइए, कहता है तेमने त्रय केम कहवामां आवे छे, तो तेमने त्रय कहवा पाछलनो परिबल अथवा कारणो। प्रथम त्रण वेदनी भाषा ने लेखन शैली में समानता, प्रथम त्रण वेदनी विषय वस्तु में समानता, प्रथम त्रण वेद में देवताओं नो खुश करवा माटे करवा आवता कर्म कांडो ना विश्लेषण, आ प्रथम त्रण वेद मां अरण्यक नु हो। अगर आपको लगे हमेशा मैनेजमेंट परीक्षा माफी को लड़ना है कि ये इतना लिख दिए हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 पहुंच गए हैं, अभी कहां बढ़ाएं, तो कोई बात नहीं है। इसको 10 शब्दों में मैनेज किया जा सकता है। त्रय कहवा पाछलना परिबल, 1, 2, 3, 4 भाषा ने लेखन शैली में समानता, 1, 2, 3, 4, 5 विषय वस्तु में समानता, देवताओं ने खुश करवा माटे कर्मकांड नु विश्लेषण अरण्यक नु होवु 52-53 शब्द में मैनेज हो गया। अब आइए अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक कालीन शिक्षा ना स्वरूप नु वर्णन करो। तो पहला, ऋग्वैदिक काल में उपनयन संस्कार पछी शिक्षा शुरू करवामा आवती हती। आ काल में त्रण वर्गो माटे शिक्षा शुरू करवा माटे जुदी जुदी उमर नक्की करवामा आवी हती। आ काल में शिक्षा मूल रूप थी वेदों पर आधारित हती। आ काल में महिलाओं ने पन शिक्षा प्राप्त करवानो हक हतो। शिक्षा संस्कृति में आपवामा आपती हती। शिक्षा मौखिक परंपरा द्वारा आपवामा आपती हती। ज्यारे शिक्षा ब्राह्मणों ने आपवामा आपती हती त्यारे ते आध्यात्मिक अने ज्यारे क्षत्रियो ने त्यारे शस्त्र अने शास्त्र ना रूप में। तो इस तरीके से ऋग्वैदिक काल पर हमने आपको दो प्रश्न बताया। अब उत्तर वैदिक सभ्यता में क्या पढ़ना है, तो भौगोलिक विस्तार, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजकीय संगठन, आर्थिक जीवन, अवैदिक साहित्य। अब देखिए क्वेश्चन, उपनिषदों ने वेदांत केम कहवामा आवे छे। ता उपनिषदों ने वेदांत कहवाना कारण नीचे मुजब छे। ते वैदिक साहित्य नो अंतिम भाग छे। तेनो अभ्यास संहिता, ब्राह्मण अने अरण्यक ना पछी करवामा आवे छे। तेना द्वारा वैदिक अभ्यास ना लक्षणी पूर्ति थाय छे। वेदों ना अंतिम उद्देश्य ब्रह्मनु तेमा निरूपण करवामा आवे छे। ते अंतिम वेदोनी जेम गद्य स्वरूप मा छे। आ तेमा वेदोनी आलोचनात्मक व्याख्या करवामा आवी छे। अब अगर आपको लगता है कि अरे यार इसको थोड़ा और छोटा में निपटा दें, तो ये देखिए, उपनिषदों ने वेदांत कहवाना कारणों, 1, 2, 3, 4 वैदिक साहित्य नो अंतिम भाग, 5, 6, 7, 8 एनो अभ्यास संहिता ब्राह्मण अने अरण्यक पची, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 वैदिक अभ्यास न लक्षणी पूर्ति, 16, 17, 18, 19 तेमा वेदों ना अंतिम उद्देश्य ब्रह्मनु निरीपण, 20, 21, 22, 23, 24, 25 अंतिम वेदोनी जेम गद्य स्वरूप में, 26, 27, 28, 29 एडजेक्ट 30 में। इसमें भी किया जा सकता है। देखिए हमेशा ध्यान रखना है कि लेखनी लिखने समय अपने कलम पे भरोसा रखना है। देखिए हम अभी छोटा कर देते हैं, वैदिक साहित्य नो अंतिम भाग, इसे भी काम चल सकता है क्योंकि आप ऊपर लिखे हैं कि ये कारण है। ये वाला हमको रखना पड़ेगा, लेकिन यहां पर छोड़ सकते हैं कि तेनो अभ्यास संहिता ब्राह्मण अरण्यक पछी, अंतिम उद्देश्य ब्रह्म ये लिख सकते हैं, अंतिम वेदोनी जे गद्य स्वरूप मां यहां तक लिख सकते हैं, अब वेदोनी आलोचनात्मक व्याख्या यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 मना ऐसे करिए तो 10 शब्द कट जाएगा, 30 शब्द में हो जाएगा। अब आइए, तो आज मैं हमेशा प्रचार नहीं करता हूं दोस्तों, ये सिर्फ पहला परीक्षा है, तो मेरे अंदर भी उत्साह है कि
ऑफलाइन में हमारे विद्यार्थी तो हमसे पढ़ ही रहे, लेकिन ये ऑनलाइन वाले जो बाजार पूरी तरह से ये लोग जो है इधर उधर किए हुए हैं, उनको एक करारा जवाब मिले, लड़कों को पता चले कि तोमर सर के यहाँ पढ़ने से क्या नया होगा। तो इसके लिए हम आपको सीसीई में आशीर्वाद बैच है मेंस, कि आपको आशीर्वाद है तोमर सर का कि कोई फेल नहीं कर पाएगा अगर आप पढ़िएगा घर में। ग्रुप ए एंड बी बोथ। अब ग्रुप ए बी का मतलब क्या है कि ग्रुप बी में जो सिलेबस है उसका कंटेंट ऑब्जेक्टिव होगा पढ़ाते समय, और ग्रुप ए में जो कंटेंट है उसका उसके सिलेबस के साथ चलेगा, वो ऐसे ही जो आपको दिखा रहे हैं ऐसे ही पूरा पीपीटी होगा, और आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में समझाएंगे कि कैसे उसको लिखना है। अब आइए हम लोग आते हैं बौद्ध ने जैन धर्म। तो पहले जैन धर्म, पहले तो 24 तीर्थंकरों पढ़ना है आपको। महावीर नो जीवन चरित्र, महावीर न शिक्षाओ, जैन धर्म न प्रचार, जैन धर्म न संप्रदायो, जैन सभा, वास्तुकलामा योगदान, पतन और जैन साहित्य। अब देखिए क्वेश्चन है कि भारत में जैन धर्म ना व्यापक प्रसार ना थवाना क्या कारण होता। तो भारत में जैन धर्म ना व्यापक प्रसार ना थवाना कारण। तो पहला है जैन धर्म में शारीरिक कष्ट आप वाला नियमों जनता द्वारा पालन नहीं करी सकू, आम जनता घबरा जाएगा। जैन धर्म में अहिंसा नु कठोरता थी पालन सामान्य जनता द्वारा ना करी सकू। जैन धर्म ने राजकीय संरक्षण प्राप्त ना होवो। वधु लंबा समय सुधी वैदिक धर्म ना सिद्धांतों नु स्वयं थी जुदा ना राखी सकवा। जैन साहित्य नु संस्कृत भाषा में लखावो। उपदेश में प्राकृत भाषा ने स्वीकारवो। वर्धमान महावीर नु वैशाली जेवा सशक्त महाजन पद में जन्म लेवो। और जैन धर्म नु अनेक संप्रदायों में विभाजित थवो। अब आज का ये अंतिम टॉपिक, फिर मैं आऊंगा हर चैप्टर में आपको ऐसे एक दो प्रश्न लेकर आएंगे कि आप देखिए कि कैसे लिखना है। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध ना जीवन, दर्शन, बौद्ध धर्म ना प्रचार, बौद्ध संगीति, बौद्ध धर्म ना संप्रदायो, उदय, पतन, बौद्ध धर्म निदेन, कला ने वास्तुकला, बौद्ध साहित्य, बुद्ध ने महावीर बच्चे सरखामनी, इतना आपको पढ़ना है। अब एक प्रश्न आपको देखिए, लेकिन देखते देखते आज आपको 11 प्रश्न हम पढ़ा दिए। हम बाकी टीचरों के जैसा नहीं है कि झूठे 20 प्रश्न रोज लिखावेंगे, 25 प्रश्न रोज लिखावेंगे। अरे भाई आराम से बच्चे को समझाएंगे ना, तो लड़के को पता भी नहीं चलेगा और 11 क्वेश्चन कितना जल्दी हो गया। अब आइए, बुद्धकालीन भौतिक जीवनी मुख्य विशेषता सुहती। तो बुद्धकालीन भौतिक जीवनी मुख्य विशेषता, पहला गंगा मैदान में द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत, दूसरा आकाल में बनावेल मृदभांड अत्यंत उन्नत अने चलकाट धरावता हता। शिल्प अने खेती कार्य में लोखंड नो उपयोग नी शुरुआत, धातु न सिक्का नो प्रचलन, व्यापारिक प्रतिप्रवृत्तियों नो प्रोत्साहन, पाक न उत्पादन में वृद्धि, महाजनपद न उदय थी वहवटी व्यवस्था जटिल, और आकाल में पाकेली ईट ने गाड़नी वाला कुआ नो उपयोग, श्रेणी व्यवस्था अने स्थानीकरण ना परिणाम स्वरूप शिल्पियों में विशेषीकरण, पहली बार लेखन कलानों विकास, और नगरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रगतिनो आधार। अब इसको अगर आपको बड़ा लग रहा है तो आप इतने में समेट सकते हैं,
कि बुद्धकालीन भौतिक जीवन नी मुख्य विशेषता, तब पहला गंगा मैदान में दूती नगरीकरण नी शुरुआत, मृदभांड उन्नत ने चलकाट, शिल्प अने खेती कार्य में लोखंड ना उपयोग, धातु ना सिक्का नु प्रचलन, व्यापारिक प्रवृत्तियों ने प्रोत्साहन, पाक ना उत्पादन में वृद्धि, जनपद ना उदय जटिल प्रशासनिक व्यवस्था, पाकेली ईट ने गाड़नी वाला कुआओं ना उपयोग, श्रेणी व्यवस्था तथा स्थानीयकरण ना परिणाम स्वरूप शिल्पियों में विशेषीकरण, हड़प्पा ना पछी पहली बार लेखन कला नो विकास, आ टेक्निकल ज्ञान नगरी तथा ग्रामीण अर्थतंत्र नी प्रगति नु आधार हतु। तो ये दोस्तों आपको हमने आज एक थोड़ा हिचकी आ रहा है, आज वाला में एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आज आपको एक हड़प्पा काल से लेकर के जैन बौद्ध धर्म तक के लिए बताए, और ग्रुप ए में हर एक टॉपिक में इसी गुणवत्ता का पालन किया जाएगा। और इसीलिए हम आपको एक बार फिर क्लियर कर दें कि ग्रुप ए में हम केवल 150 मार्क वाला जीएस आपके लिए लॉन्च किए हैं, गुजराती अंग्रेजी नहीं है। मैं जिसमें आपको गुणवत्ता दे सकता हूं मैं वही लॉन्च किया हूं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।